आज है हमारे पास एक मिस्ट्री पैकेज जिसके अंदर है 1,00,000 रुपए का ग्राफिक्स कार्ड, पर मुझे पड़ा है सिर्फ 32,000 रुपए का। पता क्यों? क्योंकि ये है एक सेकंड हैंड जीपीयू और ये मैंने लिए गेम लूट से। आप लोगों को सेकंड हैंड पीसी कंपोनेंट्स तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ गेम्स भी मिल जाती है सेकंड हैंड। तो इस वीडियो में मैंने ये जीपीयू मंगवा लिया है। जब ये लॉन्च हुआ था 1,00,000 रुपए का था और अब मुझे सिर्फ 32,000 रुपीज का पड़ा है। और इतनी मोटी पैकेजिंग को खोलने के लिए कोई आम नाइफ नहीं बल्कि ओ भाई ये देख कितनी सारी लेयर्स हैं। कौन सा मैं नहीं बताऊंगा भाई। 3070 Ti फाउंडर्स एडिशन। भाई कितना ब्यूटीफुल है वो। ओ भाई भारी कितना है ये, मुझे वो उठा के देख भाई। Oh my God, भाई, such a beauty. इसमें हम लोगों को 3 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। ये कनेक्टर भी मिल जाता है साथ में। यार बढ़िया ये तो भाई, फुल मेटल बॉडी है इसकी और दिल्ली की सर्दी में तो बहुत ही ठंडा लग रहा है सच में। वंश एक बार क्लोजअप दिखा यार, एक बार कंडीशन देखो, मतलब इट्स लाइक ब्रांड न्यू। भाई सच में क्या मस्त डील मिली है मुझे गेम लूट से। आज भी आप लोग अगर ये ऑनलाइन खरीदने जाओ तो आप लोगों को 60-70,000 रुपीज का मिलता है, बट मुझे सिर्फ 32,000 रुपीज का पड़ा, वो भी फाउंडर्स एडिशन। यार ये तो कलेक्टर्स आइटम है। चलो फटाफट से लगा अगर देखते हैं इसको मेरे एग्जिस्टिंग पीसी के अंदर जिसमें अभी एक RTX 2060 लगा हुआ है। पर इसमें नया वाला जीपीयू लगाने से पहले मुझे पुराने वाले जीपीयू के ड्राइवर्स अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे सो दैट ये ढंग से काम करे। तो RTX 2060 के ड्राइवर्स को कंप्लीटली हटाने के लिए मैं DDU नाम का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं। पर दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस वेबसाइट के ऊपर असली डाउनलोड बटन ढूंढना। अपना जीपीयू यहां पर सिलेक्ट करने के बाद अब सिलेक्ट करते हैं क्लीन एंड शटडाउन। भाई ये सॉफ्टवेयर तो हैंग हो गया भाई, डर लग रहा है मुझे। अब फटाफट से हटाता हूं इस RTX 2060 को, जिसके लिए हमें थोड़े से स्क्रूज वगैरह खोलने पड़ेंगे। इजी एंड डन। भाई कितना ज्यादा साइज का डिफरेंस है और भाई वेट है ना। और ये पकड़ो एक बार याद रखना जैसे निकाला था वैसे ही डालने। अब इसको हमने देनी है शक्ति यानी कि पावर लगानी है इसमें, पर उसके लिए हमें पहले ये कनेक्टर लगाना पड़ेगा जो इसके साथ मिला था। एंड इट्स डन। मुझे देख पूरे पीसी की वाइब के साथ जा रहा है, मतलब स्टील ग्रे कलर मेरे पीसी का भी है, मदरबोर्ड का भी है, रैम्स का भी है। ओके 3 2 ये पंखे घूम रहे गाइस। तो मैंने यहाँ पे GeForce Experience डाउनलोड कर लिया जिससे ये RTX 3070 Ti के सारे ड्राइवर्स अपने आप डाउनलोड कर लेगा। ओ भाई देखना फैन एकदम बंद पड़ा है भाई, क्योंकि अभी खास कुछ काम नहीं हो रहा ना GPU का, सिर्फ ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देखो मैं God of War स्टार्ट कर चुका हूँ और अभी तक फैन स्पिन होना स्टार्ट नहीं हुए यार। मतलब इसका हीट सिंक इतना इफेक्टिव है कि फैंस को इतनी जल्दी घूमने की नीड नहीं पड़ती। ओ भाई क्या है ये। भाई मैं God of War खेल रहा हूँ और मुझे 140 FPS भाई तक नहीं मिले भाई। फुल पैसा वसूल। RTX 3060 नया 35,000 के आसपास मिलता है और ये सेकंड हैंड इतना ब्रांड न्यू कंडीशन में RTX 3070 Ti फाउंडर्स एडिशन। भाई फाउंडर्स एडिशन Nvidia के घर से आया ये। और एक और चीज बताऊं, तुम लोगों को गेम लूट से 7 डेज की वारंटी भी मिलती है इस पर। आइडल खड़े हो तो भाई 155-157 तक पहुंच रहे हैं फ्रेम रेट। 160 भाई क्या ये। और ये गॉड ऑफ वॉर जैसी फ्लैगशिप गेम है, ट्रिपल ए टाइटल। अभी थोड़ा सा हल्का टाइटल लगाया है रॉकेट लीग। भाई इतना स्मूथ गेम प्ले मैंने कभी नहीं खेला अपने पीसी में। 300 तक जा रहे भाई फ्रेम रेट। भाई हद हो गई भाई, कमाल है भाई। अब मेरा सारा ध्यान गेम पे है इसलिए वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ। एंड यस, अगर तुम लोगों को भी ऐसी ग्रेट डील चाहिए एक नए नवेले ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर गेम लूट का लिंक जरूर चेकआउट करना। और कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लो तो मेरा कूपन कोड TK500 अप्लाई करना मत भूलना, flat 500 off के लिए। तो डेफिनेटली अपना अगला गेमिंग पीसी गेम लूट से बनवाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंश बंद कर दे, तू भी आ जा स्प्लिट स्क्रीन में। भाई हार रहा हूं मैं, आ जा फटाफट।